स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी ये वैकेंसी आएगी, कब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हमारे होंगे जो बहुत पहले से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे जैसे ही उनके पास ये नोटिफिकेशन आया होगा या उन्हें न्यूज मिली होगी। तो हम किस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपने सुना होगा SSC MTS। SSC MTS मतलब 90% स्टूडेंट हमारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि इसका जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ओनली 10th पास आउट है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे 10th पास आउट है वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो 12th किए हो चाहे ना किए हो। और जो स्टूडेंट 10th पास किए हो, 11th का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको एक मौका मिल रहा है चेक करने का किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग आप 11th और 12th में प्रिपरेशन करो अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या इसका सिलेबस है, हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैकेंसी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि कब आया एग्जाम, 18 को आपका ये फॉर्म आया हुआ है और आपका जो 17 फरवरी तक आपके पास टाइम है फॉर्म फिलअप करने का, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, जो मेन पॉइंट है हमारे लिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, सभी के लोगों के पास पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो चलिए बात करते हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए सारे अपने फ्रेंड के पास जो MTS का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेबस। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे आपके चैनल आपके इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी MCQs के माध्यम से। आपको पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग। इससे पहले आपने देखा था कि फिजिकल मांगता था, अभी आपकी जो वैकेंसी आई है जिसमें आपका SSC MTS है और एक हवलदार है, जबकि इससे पहले कि अभी तक आपने देखा कि 2020 तक ऐसा 2021 तक ऐसी कोई मतलब कुछ भी नहीं होता था कि SSC MTS के साथ हवलदार को भी ऐड कर दिया जाए इसी वैकेंसी में, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार हवलदार की भी वैकेंसी इसमें आई है 2022 और 2023 में। 2022 में भी आई थी हवलदार की वैकेंसी, और अभी इससे अगर हम बात करते हैं 2020 तक की बात, तो वहां पर आपने किसी भी SSC MTS की वैकेंसी आती थी 5,000, 6,000, बहुत ज्यादा बढ़ गई 7,000। लेकिन अब की जो वैकेंसी आई है वो टोटल 11,000 प्लस वैकेंसी आई है, मतलब आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है ये फॉर्म फिलअप करने का, कंपटीशन लड़ने का चांसेस है। अगर आप अभी 10th पास होकर जॉब लेना चाहते हो तो बस ये मौका आप मत गवाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको जो Tier 1 का मतलब Tier 1 बोले तो दो सेक्शन में आपके एग्जाम को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में आपको क्या क्या करना है, मैथ और रीजनिंग। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो SSC CGL MTS का जो एग्जाम है वो 10,880 प्लस आपके टोटल वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी निकली हुई है वो 10,1400 वैकेंसी टोटल निकली हुई है, जिसमें से MTS की अगर बात करते हैं 10,880 MTS की है, हवलदार की बात करें तो 529 हवलदार की है। और यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है कि हवलदार में ही केवल फिजिकल मांगा है, बाकी MTS में कोई फिजिकल नहीं है। जो केवल MTS का फॉर्म भरेगा उसमें फिजिकल आपको नहीं देना है, हवलदार में अगर है तो उसमें आपको फिजिकल देना है। लेकिन अभी तक साइकिलिंग वाला था वो हटा दिया गया है, केवल रेसिंग है, जो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो जो Section 1 और Section 2 में डिवाइडेड है आपका ये सिलेबस, जिसमें अगर बात करते हैं MTS और हवलदार के, जो फर्स्ट पेपर होगा वो सेम होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल। 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, लेकिन मार्क्स होगा 60 मार्क्स का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डेंजरस की बात है कि भाई 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपके 3 नंबर मिल जाते हैं। नो निगेटिव मार्किंग आपके लिए सबसे गुड न्यूज तो ये है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपकी मैथ और आपकी रीजनिंग अगर अच्छी है तो आराम से आप निकाल लोगे, आपको टोटल 40 क्वेश्चन करने होंगे मैथ और रीजनिंग के, जिसमें आपको टाइम लिमिट जो मिलेगा वो ओनली 45 मिनट आपका टाइम मिलेगा, और आपके 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के रहेंगे। पहले से पहले जो एग्जाम हुआ था MTS का तो उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर के थे, लेकिन अब के 3 नंबर के क्वेश्चंस है, बहुत ही मतलब कि खुशी की बात है आपके लिए, दुख की बात है मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप खुश हो या दुख हो इससे। और यहाँ पे अगर बात करें सेक्शन 2 में, सीजन 2 में अगर
बात करते हैं तो यहाँ पे आप इंग्लिश दोगे और जीएस दोगे, ठीक है। इंग्लिश और जीएस दोगे 25-25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो 75 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। और ये 75 नंबर के जो आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 75 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 45 मिनट का ही आई थिंक होना चाहिए। शायद आपका बढ़ा है कि नहीं, इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है। तो 45 से 50 हो सकता है हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, तो शायद आपके टाइम बढ़ा दिया जाए। लेकिन मुझे 90% श्योर हो कि आपके 45 मिनट ही रहेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश और जीएस है, तो इसलिए ज्यादा आपको टाइम ना दिया जाए, 45 मिनट ही टाइम दिया जाए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे थोड़ी सी एक आपके लिए बैड न्यूज है कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब जो सेक्शन 2 में रहेगा वो आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, सेक्शन 1 में जो रहेगा नो निगेटिव मार्किंग। तो आपके लिए फर्स्ट पेपर अच्छा है, अगर आप निकाल लेते हो तो सीजन 2 में आप बैठने के लायक होगे, आप बैठोगे, एग्जाम दोगे, और वहां पे थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग जो है 1.0 का निगेटिव मार्किंग है, आपको ध्यान देना है। और जो हवलदार का एग्जाम देंगे, हवलदार की वैकेंसी फिलअप करेंगे, जो टोटल पोस्ट 529 है, उनका फिजिकल तो होगा, ठीक है, उनका फिजिकल तो होगा, उनके फिजिकल में जो रेस होगा, बॉयज में अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर आपको 15 मिनट में क्रॉस करने होंगे, और अगर गर्ल्स की बात करूं तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। तो फिजिकल में भी ज्यादा हैवी नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको हवलदार का भरना है तो हवलदार का भर सकते हो, एमटीएस का भरना हो तो एमटीएस का भर सकते हो। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर गर्ल्स की बोल रही हूँ तो आप एक बार चांस आपके पास है, अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो और आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका जो एग्जाम होगा अप्रैल में होगा, मार्च लास्ट तक हो सकता है, अप्रैल स्टार्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम वहां तक पहुंच सकता है, ये आपके ऊपर कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो तो त्रिशांत एकेडमी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, आपको मैं आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको पूरा लेक्चर के साथ जो अपलोडेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहते हो तो डेली आपको क्लास में रहना है, उसमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, आपको आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको करना क्या है, कमेंट के माध्यम से मैसेज करना है, अपना नंबर आपको देना है कि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए व्हाट्सएप पे, या आप टेलीग्राम पे चैनल पे भी आप ऐड हो सकते हो। नहीं ऐड हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करिए अपना, या फिर उसमें कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया है, मुझे मैसेज करिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो लेक्चर क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।